जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये तीन तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। तीन तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए तीन तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी तीन तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था, मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है, और इजिप्त में आज से 80-90 साल पहले तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया, हमसे 90 साल पहले। अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग तीन तलाक का समर्थन भी करते हैं, और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है।